दोस्तों, आदिवासी और पुराने कल्चर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। कहते हैं कि हमसे 500 साल अभी भी पीछे चल रहे हैं कबीलेवासी। और इंडोनेशिया में एक जगह है जहाँ का नाम है सुलावेसी, जहाँ पर एक अजीब सा ट्राइब है जिसका नाम है तुरेजा। कहते हैं कि वो डेथ को बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस समझते हैं और वो गाड़ने पर और जलाने पर यकीन नहीं करते। जब उनके नियर बाय कोई डेथ होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक उसे प्रिजर्व करते हैं। उस कबीले के लोगों का मानना है कि कभी कभी वो जो बॉडीज होती हैं वो हिलती हैं और कुछ ऐसे संकेत देती है जैसे अभी भी उनके अंदर स्पिरिट जिंदा है। प्रिजर्व करने का तरीका बहुत ही अजीब है। वो कोई आइस के अंदर नहीं रखते, उसमें कोई अजीब सी अपनी बनाई कोई ऐसी आयुर्वेदिक मिट्टी लगाते हैं जो काफ़ी टाइम तक उस बॉडी को गलने नहीं देती, जिसकी वजह से शायद कुछ उस बॉडी के साथ हलचल होती है। लेकिन मेरे समझ से बाहर है कि कोई ऐसे कैसे एक डेड बॉडी को अपने साथ इतने सालों तक रख सकते हैं। इस चीज़ को समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि अगर आप कभी ऐसे कबीले में विजिट करते हैं जहाँ पर आपको डेड बॉडी दिखे तो आपका क्या रिएक्शन होगा।